नगर निगम में मैं काम करती थी जो मनी कलेक्शन का, घर घर जाके, तो वहाँ से कूड़ा तो वो उड़ जाता था पर जो कपड़ा होता था वो नगर निगम वाले नहीं लेते थे। तो उसकी बड़ी समस्या थी। और क्या करते थे, वो गार्बेज जला देते जिससे फिर प्रदूषण फैल रहा था, और कुछ लोगों के गांठे बांध बांध के उनको नालों में फेंक देते थे जिससे वो नाले ब्लॉक हो जाते थे। ये इस बारे में सोचा कि ऐसे ऐसे समस्या लोगों पे है, तो चलो हम कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिससे कपड़ा भी यूज़ हो जाए और उनसे हम कुछ ना कुछ चीज़ बनाए। हमारा मेन यही है कि हम पर्यावरण को जो है वो एनवायरनमेंट को कैसे सेव करें, तो उसके उस मकसद से हमने जो है ये निर्मल छाया जो है वो शुरू की है। निर्मल छाया एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जो महिलाएं जिसमें काम करती हैं। उनको यहाँ बाहर निकलने से कुछ सीखने को मिलता है, जैसे कई मीटिंग होते हैं, कई लोग आते हैं यहाँ पर, कुछ बातें समझाते हैं उनको कि इस तरीके से हो सकता है, और इनको अच्छा लगता है कि हाँ हम लोगों से मिल रहे हैं। पहले तो घर में चार दीवारी में रहेंगे, घर का काम करेंगी, कि घर संभालना, घर का पूरी फैमिली संभालना, पूरा बच्चे संभालना, ये तो चैलेंज है। फिर उनसे टाइम निकालना, उन सभी काम करके वो अपने लिए टाइम निकालती, बड़े मुश्किल से टाइम निकालती है। और वो खुद से ऐसे करती, सुबह जल्दी उठ जाती हैं और ये मैं जल्दी जल्दी काम कर लेती हूँ, निपटा लेती हैं, फिर यहाँ के लिए टाइम निकालती हैं कि ये हमें यहाँ के लिए टाइम निकालना है। हमारे पास जो है वो जब कपड़े आते हैं तो उस टाइम तो सब इकट्ठा होता है, तो हम सबसे पहले शॉर्टिंग करते हैं कपड़े की, कौन सा जो यूज़ करने वाला है उसको हम यूज़ करने के लिए दे देते हैं, जो नहीं है यूज़ करने वाला उसको हम अलग कर देते हैं कपड़े को। We have a setup where we are working with around 15 women. They are creating like products from waste, and that's basically working on two fundamental problems of woman livelihood and environmental solutions. ये हमारा multi-purpose mat है। ये इसमें हमने इसमें जो है वो patchwork में काम हुआ है। इसमें हमने jeans, cotton का और ये जो piping लगी हुई है ये कॉटन की यूज़ की है हमने, तो ये मल्टीपर्पज़ है। इसे हम सीटिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, पाँव के लिए, या हम इसे जो है वो डाइनिंग टेबल के लिए भी, जैसे हम इसे मल्टीपर्पज़ वे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। वी ट्रेन देम हाउ टू मेक बैग्स आउट ऑफ इट, एंड वी मेड अराउंड 63 आइटम्स इन द लास्ट वन ईयर। All our products were strategically built right from the morning till the end of your day. What are the things that you use in plastic, right? And how much of that products that you are in touch with can have an alternate in textile? So we made a tote bag which will last for more than 3 years, having a carrying capacity of like 10 kgs or 15 kgs. And that is a direct replacement of that plastic bag, so you can carry your own. सामान बन जाता है तो हम छोटे छोटे गवर्नमेंट के स्टॉल होते हैं वहाँ पर हम बेचते हैं, और मार्केटिंग में शॉप के से बात करते हैं, शॉपकीपर से बात करते हैं कि ये बैग्स तो काफ़ी ले लेते हैं। अभी तो शुरुआत है, कुछ ना मना कर देते, पर जितने तो कोई 50% तो ले लेते हैं, 50% में अपने अपनी वो दिमाग की उनकी च्वाइस होती है ना। कपड़ा हमें कम पड़ रहा था, लेडीज़ काफ़ी हो गई थी, तो हमने वेस्ट वॉरियर के साथ बात की, तो उन्होंने भी हमें काफ़ी कपड़ा कलेक्ट करके हमें वो कपड़ा दिया, उसी से हम सारा सामान बना रहे हैं। MRF में वेस्ट जो आता है उसका करीब 20-25% कपड़ा आता है, और उसका कोई सॉल्यूशन हमारे पास नहीं था।
तो निर्मल छाया एक एग्जिस्टिंग सेल्फ हेल्प ग्रुप था, तो हमने सोचा कि ये एक सॉल्यूशन हो सकता है कपड़े का टेक्सटाइल वेस्ट का। तो हमने टाइप किया इसके साथ, निर्मल छाया के साथ, और जैक एंड जॉन जो है उसने फंड किया इस प्रोजेक्ट के लिए। West Warrior's ability to work with the community has been an easy merger between Nirmal Chhaya and West Warrior, because they've been working here over a decade in this similar terrain, and hence we were able to save a lot of time rather than going through it. इसमें हमने ये किया है कि करीब लगभग 2500 किलो कपड़ा जो टेक्सटाइल वेस्ट है, जो यूज्ड क्लॉथ है, उसको हमने डाइवर्ट किया है और उन्होंने उसके सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाए हैं। तो ये 6 मंथ्स का प्रोग्राम था जिसमें कि हमें कलेक्शन ड्राइव्स करनी थी। फॉर एग्जांपल कम्युनिटीज में हमने पहले से इंफॉर्मेशन दिया कि आप अंडरगारमेंट्स और ये जो जैकेट्स होते हैं इनको छोड़ के आप सब कुछ डोनेट कर सकते हैं जो कि आप फेंकने वाले हो या फिर जो आपके घर पे वेस्ट कपड़ा पड़ा है। तो हमने उनको बताया कि अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो आपको सिर्फ इतना सा करना है कि इसे दान करना है। लोगों की जो सोच थी वो चाहते थे कि उनके घर में जो भी कपड़ा पड़ा है वो बस उनके घर से निकले, तो उसमें वो काफ़ी जो हमारे यूज़ का या जो एक हिसाब से मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका जो कपड़ा है वो भी लोग दे देते थे, गंदा कपड़ा भी दे देते हमें, जो कि आगे जाके महिलाओं को सेग्रीगेट करने में उसको दिक्कत आती थी। पर ये है कि 2 या 3 ड्राइव के बाद हमारा वो चीज़ें धीरे धीरे सुधरने लगी। जैसे जैसे हमने लोगों के पास जाके उनको समझाया तो वो लास्ट तक आते आते वो सारी चीज़ें जो थी वो सुधर चुकी थी। अभी 6 मंथ इस प्रोजेक्ट को ऑलमोस्ट हम लोग कम्प्लीट कर चुके हैं, लेकिन अभी हमने सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या किया है, अभी कुछ प्लेसेस पे हमने ड्रॉपअप पॉइंट्स लगवाए हैं, और जैसे ही वो ड्रॉपअप पॉइंट्स जो ड्रॉपअप बॉक्स है हमारे वो भर जाएंगे, हमारे पास कॉल आएगा और लेडीज़ जो हैं वो वहाँ जाके उस कपड़े को ले आएंगे, ताकि इनफ्लो कपड़े का कंटिन्यू चलता रहेगा। साथ में एक रेड क्रॉस के पास में एक वस्त्र बैंक है वहाँ पे, तो वहाँ भी हमने कोलाब्रेशन किया है, क्योंकि वो बड़ा फेमस प्लेस है जहाँ लोग यूजुअली आते हैं और कपड़ा देते हैं, तो वहाँ से भी हम कपड़ा लेते हैं, तो कपड़े की प्रॉब्लम लेडीज़ को नहीं आएगी। अभी शुरुआत है, इतना इनकम भी नहीं है हमारे पास, थोड़ी से जितना होता है हम उनको दे देते हैं। हम सोचते हैं इससे ज़्यादा हमारे सेलिंग में ज़्यादा हो, सेलिंग ज़्यादा हो जाए, कि मार्केटिंग में हमें काफ़ी माथा पच्ची करना पड़ती है, क्योंकि शुरुआत है तो लोग कई मान जाते नहीं मानते, तो हमारी सेलिंग अच्छी हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो लोगों इन लेडीज़ को हम ज़्यादा से ज़्यादा दे देंगे, इनके बच्चों के लिए हमें ज़्यादा ज़्यादा इनके बच्चों के लिए सपोर्ट करेंगे, इनके एजुकेशन के लिए सपोर्ट करेंगे, और लेडीज़ का जो बीमारी के वगैरह जो होती है उनके लिए भी सपोर्ट करेंगे, हर चीज़ से सपोर्ट, पर हमारी जो मार्केटिंग बढ़ जाए तभी हम इसको कर पाएंगे।